Hi guys, wish you a very, very good morning. This is me, Ash Joshi, and you are watching me on the channel of AchieveIS. So it is 20th May today, it's Wednesday, and today we are going to discuss the news analysis. Okay, so let's take important news. First news is Health Ministry issues new guidelines for workplaces. मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि lockdown 4 जो है, फोर्थ फेज जो है लॉकडाउन का, वो स्टार्ट हो चुका है. अदर देन दिस, बहुत सारे गाइडलाइंस जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इशू किए गए हैं कि कैसे कार्य होगा, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी और कैसे अन्य क्षेत्रों को कोविड 19 से रिलेटेड जो एरियाज़ हैं, रेड जोन्स जो हैं, और उसके अलावा ग्रीन जोन्स, रेड जोन्स और ऑरेंज जोन्स में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और कैसे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे. ये सारी गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू कर दी गई है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और उस पर काम भी चल रहा है. इसी बीच में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू की है जो कि वर्क प्लेसेस के लिए है, कि वर्क प्लेसेस पे कैसे कार्य होगा, कैसे केसेस को बढ़ने से वर्क प्लेस पे, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना हमारी नीड है. अभी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करें, बिकॉज कंटिन्यूसली लो जाते चले जा रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमी में. सो उसको बूस्टअप करने के लिए, देश को चलाने के लिए या अन्य क्रियाओं के लिए, इवन एक इंडिविजुअल की लाइफ को सर्वाइव करने के लिए भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है. ओके, सो देश में हाल ही में कल जो है 5,680 लास्ट 24 आवर्स में केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, मतलब कंटिन्यूसली 1 लाख को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं. तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि जो कार्य क्षेत्र शुरू हो गए, मतलब वर्क प्लेसेस जो स्टार्ट हो चुके हैं रिसेंटली, उनके लिए हम ट्यूसडे को जो है गाइडलाइन जारी कर चुके हैं. ओके, इसी के साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो किया गया है कि कैसे होगा ये सारी चीज़ें, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे चलाया जाएगा ये मिनिस्ट्री देखेगी, और इवन मिनिस्ट्री ये भी देखेगी कि कोई केसेस जो है बढ़ रहे हैं या किस एरिया में, क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे हैं, और किन कार्य वर्क प्लेसेस पर या कार्य क्षेत्रों में प्रॉपरली वर्क नहीं हो पा रहा है. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. लेट्स सी कितना पॉजिटिव जाता है ये और किस हद तक कार्य कर सकता है ये, इसके बारे में पता चलेगा. ओके, सो द नेक्स्ट इज 3 लाख इवैक्यूएटेड एज एम्फन हर्टल्स टुवर्ड्स बंगाल कोस्ट. मैं आपको बता देती हूँ, बंगाल में, बंगाल के कोस्टल एरिया में, बंगाल और बांग्लादेश के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे एम्फिन नामक एक तूफान जो है, साइक्लोन जिसे कह सकते हैं, उसका अभी जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है. एंड इट इज़ अ साइक्लोन मेड इन वाटर, एंड साइक्लोन जो है उसने वहाँ पर काफ़ी सब कुछ जो है कमज़ोर बना दिया है, और लैंडफॉल होने की उम्मीद भी लगाई जा रही है. इवन आज ही, आज की डेट तक जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आज तक जो है लैंडफॉल होने की उम्मीद 100% बनती है. सो लेट्स सी क्या इफ़ेक्ट होता है इसका. सुपर साइक्लोन जो है ये क्रिएट हुआ है, इससे करीब करीब 3 लाख लोगों की का जीवन प्रभावित है. बट स्टिल हमारी ज़रूरत है कि हम इस क्षेत्र को खाली करें, जहाँ जहाँ पे हमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा उन क्षेत्रों को खाली किया जाए. और हो सकता है इससे जो है हमारे ऑलरेडी, अच्छा ये भी एक फैक्ट है कि इसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी टीम्स को, रेस्क्यू टीम्स को रेडी कर दिया गया है. करीब 3,35,000 लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर और उड़ीसा में जो है वहाँ से हटा दिया गया है, कोस्टल एरिया से या प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से हटाने का कार्य किया जा चुका है. सो लेट्स सी कब तक क्या कैसा इफ़ेक्ट दिखाता है ये अपना. और डिफेंस जो टीम है, या हम कह सकते हैं जो रेस्क्यू टीम्स है, वो भी अरेंज कर ली गई है और उनके ऊपर भी कार्य चल रहा है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचाया जा सके, या इस प्रभावित क्षेत्र से दूर ले जाया जा सके, या इवन इससे बाद में होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को भी ख़त्म किया जा सके.
ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट एम्फिन, यू शुड गो फॉर इट। आपको पेज नंबर 12 देखेंगे अगर आज द हिंदू एनालिसिस का, द हिंदू का, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मिलेगा, व्हाट इज़ एम्फिन और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, अभी क्या इफ़ेक्ट कर रहा है और आने वाले टाइम में भी इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको उस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हेयर आई विल शो यू कि दिल्ली के अंदर भी कंटिन्यूस केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दिन में करीब 500 केसेस की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। सो इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू ऑर्गेनाइज एंड टू अरेंज ऑल दीज में आई कैन से प्लान्स और थिंग्स दैट कैन स्टॉप COVID-19, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन सो। हमने बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी लगाए हैं इस क्षेत्र में, बट स्टिल इफ वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिजल्ट और प्रॉपर रिस्पॉन्स, देन वी शुड अवेयर आर सेल्फ ओनली, बिकॉज गवर्नमेंट ने सारे इनिशिएटिव्स जो ले सकती थी वो सारे इनिशिएटिव्स ले लिए हैं। अब ये ज़रूरत हमारी है कि हम उस क्षेत्र में प्रॉपरली काम करें, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर सारी चीज़ें कर चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम डायरेक्ट एडिटोरियल एनालिसिस लेंगे, बिकॉज देखिए जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ दे रखे हैं दीज आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। COVID-19 से रिलेटेड ही है, हर क्षेत्र के बारे में बताया है कि किन क्षेत्र में कैसे कैसे COVID-19 वर्क कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हाँ आपको इन आर्टिकल्स के अंदर बताई गई हैं कि लॉकडाउन कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, COVID-19 कैसे कर रहा है और माइग्रेंट्स पे क्या असर देखने को, ये सारी चीज़ें ऊपर आर्टिकल्स में दे रखी है जो हम ऑलरेडी काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आर्टिकल दिया है एडिटोरियल एनालिसिस है, ये एडिटोरियल आर्टिकल है द चेंजिंग नेचर ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी। देखिए ये जो है ये मैं आपको ये एक मान लीजिए कि मैं आपको होमवर्क दूंगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट कवर करता है, हालांकि इट्स नॉट अबाउट रिलेशन। इसके अंदर चाइनीज़ डिप्लोमेसी को, चाइनीज़ गवर्नमेंट को, चाइनीज़ पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ अभी जो हालात हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है और आने वाले टाइम में या पहले के टाइम में क्या हालात थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। चाइनीज़ डिप्लोमेसी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें हमेशा से देखने को मिले हैं, काफ़ी कुछ सुना है हमने कि काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे ऑलरेडी हमें देखने को मिले हैं। सो लेट्स सी क्या स्ट्रैटेजी वो लोग अपनाते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, किन चीज़ों पर खरे उतरते हैं, उस बेसिस पर गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है या उसके लीडर्स जो हैं वो कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी। COVID-19 के दौर में वो क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। देखिए चाइना अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस झेल ही रहा है, लेकिन इंटरनली जो है डिप्लोमेसी के बेसिस पर या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बेसिस पर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद इसे पढ़ेंगे और मुझे चाइनीज़ डिप्लोमेसी के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कि क्या है चाइनीज़ डिप्लोमेसी, क्यों लाइमलाइट में है, क्यों न्यूज़ में है और क्या इसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टैंड स्टिल की। द ओपनिंग ऑफ, देखिए अभी रिसेंटली मैं आपको बता देती हूँ, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल है, स्पोर्ट्स मैन से रिलेटेड आर्टिकल है। हाल ही में जो ओपनिंग की अनाउंसमेंट्स केंद्र सरकार द्वारा की गई है उसमें स्टेडियम्स को ओपन किया गया, काफ़ी अभी न्यूज़ में देखने को मिला, लोगों को लगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ तो हमने ओपन किए नहीं, स्टेडियम कैसे ओपन करते। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इस अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बहुत सारे ऐसे जो प्लेयर्स हैं और इवन देखिए वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे जो है प्लेयर्स भरे पड़े हैं, बिल्कुल बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे हैं। और उसी के अंदर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मैक्सिमम लेवल पर जो प्लेयर्स आपको इंटरनेशनली देखने को मिलते हैं उनमें से मैक्सिमम लेवल पे जो है इंडिया से होते हैं। तो अब ये बात आती है कि प्लेयर्स जो है उनके लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं इन कॉमन कि
इन जनरल वी नो कि प्लेयर्स की लाइफस्टाइल थोड़ी सी यू नो वर्कआउट एंड फिटनेस एंड प्लेइंग इन सब पे डिपेंड करती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले सारे टूर्नामेंट्स मैचेस सब कुछ रद्द किए जा चुके हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो होने वाले थे वो सब रद्द किए जा चुके हैं और आने वाले टाइम में होंगे। तो क्या कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक घर में बैठने से और प्रैक्टिस ना करने से आने वाले जो ओलंपिक्स या आने वाले जो हम कह सकते हैं मैचेस या आने वाले जो जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, तो उसके अंदर क्या ये जो प्लेयर्स हैं जो पिछले 2 महीने से घर में बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे लॉकडाउन के दौर में, तो क्या उनके जीतने की उनके किसी भी हद तक आगे बढ़ने की संभावना बनती है क्या? तो मैं बता देती हूँ आपको कि एक हमेशा प्लेयर जो है उसका फिजिकल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंस रखती है उसके लिए और उसके करियर के लिए, इवन देश के करियर के लिए। कोई भी मैच जिसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेयर्स, उनका फिटनेस, उनका रेगुलर वर्कआउट, ये सब चीज़ें उन्हें रेगुलर बनाता है। इवन हमारे जो बॉडी मैकेनिज्म है वो एक सर्टेन टाइम तक स्टॉप हो जाने पे, हमारी एक्टिविटीज़ अगर स्टॉप हो जाती है तो हमारी बॉडी भी अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगती है ना। सो इफ़ यू आर वर्किंग कंटिन्यूसली तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, आप एक्टिवली वर्क कर पाएंगे और करेंगे कंटिन्यूसली। अगर आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप करके यू आर यूजिंग टू डू स्लीप्स एंड जस्ट सिटिंग एंड जस्ट वॉचिंग टीवी एंड ऑल, तो आपकी बॉडी वैसे बिहेव करेगी। ऑब्वियसली आपका लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी जैसे ढांचे में ढलती है वैसा ही बिहेव करने लगती है ना। सो एग्जैक्टली दैट वॉट इज़ हैपनिंग विद प्लेयर्स ऑल्सो। प्लेयर्स जो है, जो चाहे आप कोई भी मैच उठा लीजिए, सभी के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी इस प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी इश्यूज़ फेस कर रहे थे। और जब एक जनरल मीटिंग बुलाई गई तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम स्टेडियम्स को ओपन करेंगे बट स्टिल विथ नो ऑडियंस। मतलब सिर्फ अगर हम क्लियरली बात करें या आउटलुक लें अगर इसका, तो बेसिकली स्टेडियम्स को ओपन करने का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट की है। हम कह सकते हैं जो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी फिज़िकल फिटनेस, उनकी वर्कआउट, उनकी प्रैक्टिस और आने वाले टूर्नामेंट्स, आने वाले जो ओलंपिक्स या उन्हें आने वाले फीफा जो भी आगे ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, उन सभी मैचेस के अंदर, उन सभी टूर्नामेंट्स के अंदर, उन सभी हम कह सकते हैं गेम्स में जो इंडिया प्रॉपरली परफॉर्म कर सके और उस ये लॉकडाउन उनके लिए हारने की वजह ना बने, इस वजह से स्टेडियम्स को ओपन किया गया है। ओके सो मैंने आपको पूरा जो पैराग्राफ है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अगर आप लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लैंग्वेज है इसके अंदर, बट स्टिल अब आप इसे पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट ईजीली। ओके और एक पर्टिकुलर ऐसा मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट भी की थी कि लॉकडाउन को या तो ओपन कर दीजिए या स्टेडियम, ये हमारा वर्क एरिया जो है ओपन कर दीजिए जिससे कि हम अपने आप को कंटिन्यू कर सकें, कंटिन्यू रख सकें। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये कार्य शुरू किया गया है, इसीलिए उन्हें पर्टिकुलर प्रिविलेज दिया गया है कि बहुत सारे एरियाज़ को बंद रखने के बावजूद भी स्टेडियम्स को ओपन रखा गया है जिससे कि वो फिट और हेल्दी रह सकें और आने वाले टाइम में उनकी किसी भी हार का कारण भारत की लॉकडाउन की जो सर्विसेज है या हम कह सकते हैं कि इस महामारी के दौर में जो लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन या जो स्टे होम वाली पॉलिसी है, कहीं ये कोई बाधा बन के ना सामने आए या ये महामारी हमारी कमजोरी ना बन जाए, इसीलिए हमने ये एक्टिविटी जनरेट की है। ओके T20 ले लीजिए, ओलंपिक्स ले लीजिए, इस साल नहीं होंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर तो होंगे ही। लेकिन अब वो जो नेक्स्ट ईयर होंगे उसके लिए प्रिपेयर तो हमें अभी से करना होगा ना, बिकॉज़ इट इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस जो है वो ओवरनाइट नहीं आ जाती है ना। इसीलिए ये आर्टिकल है बताया गया, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जिस तरीके से हमने ये स्टार्ट किया है, स्टेडियम ओपन क्यों किया गया है, उसका रीज़न क्या है,
और इससे होने वाले इम्पैक्ट क्या-क्या होंगे और अब तक क्या-क्या इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट यूनिटी ऑफ पावर। इट इज़ ऑल अबाउट इज़राइल्स गवर्नमेंट, इज़राइल की गवर्नमेंट के बारे में बताया है। इज़राइल की नई जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कार्य शुरू कर तो दिया है सरकार के साथ हाथ मिलाते हुए, और लेकिन आने वाले टाइम में उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। ओके, तो नेतन्याहू के एजेंडा को बताया, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके एजेंडा को, उनका क्या पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने कैसे कार्य किया है अब तक जिस कारण वो कट ऑफ रहे हैं हमेशा इन सारी चीज़ों से, या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम बात करें तो उनको बिल्कुल कट ऑफ किया गया है आज तक, तो उसका क्या कारण है। अब उनका जो है सरकार के साथ सम्मिलित होने का क्या कारण है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दे रखी है। यू विल गो थ्रू इट योर सेल्फ, मैंने आपको एक आउटलाइन दे दी है, आप इसे खुद से पढ़ेंगे, आप समझ जब आप खुद से पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट वॉट इट वॉन्ट टू सी। ओके, द नेक्स्ट इज पाकिस्तान एज बोथ टेरर सॉरी परपेट्रेटर एंड विक्टिम, सो इट इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान। ये आर्टिकल पाकिस्तान और उसमें फैले हुए टेररिस्ट के बारे में बताया गया इस आर्टिकल के अंदर। बेसिकली देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो जूझ रही है ना, किस चीज़ से, टेररिज्म से, गरीबी से, बहुत सारी इश्यू से जूझ रही है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम जब बात करते हैं, अगर ऐसा है कि पाकिस्तान जूझ रहा है, ऑलरेडी सफ़र कर रहा है बहुत सारी चीज़ों से, तो जब भी टेररिस्ट का नाम आता है, टेररिज्म का नाम आता है, वाई वी वॉन्ट टू यूज़ अ वर्ड दैट इज़ पाकिस्तान, वाई वी यूज़ टू डू सो, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो कि शरण देने वाला है टेररिज्म को, और टेररिज्म से खुद का लॉस करने वाला है, खुद भुगतान करने वाली कंट्री है। ओके, काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तान में रहकर बने हैं, काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान ने खुद ने बनाए हैं, है ना। देखिए, जो बोते हैं वही पाते हैं, तो अगर आप टेररिज्म को फीड करेंगे, टेररिस्ट को फीड करेंगे, आप टेररिज्म ग्रुप को सपोर्ट करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, तो कभी ना कभी वो चीज़ घूम कर आपकी तरफ रिएक्ट ज़रूर करेगी। ओके, क्रिएटर के अगेंस्ट कभी ना कभी वो चीज़ कुछ ना कुछ हद तक आके रिएक्ट करती है। बिफोर डूइंग एनीथिंग वी शुड नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम ये जान लें कि वो एस्पेक्ट या वो स्टेप किस हद तक पॉजिटिव है और किस हद तक हमारे खुद के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। ओके, इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान जो है खुद इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, और पाकिस्तान खुद इसका एक हम कह सकते हैं कि शरण देने वाला एक कंट्री भी है। ये आर्टिकल जो है उससे बिलोंग करता है, उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है अपने पड़ोसी राज्यों को और उसमें रहने वाले टेररिस्ट को, खुद के राज्य में सीमित टेररिस्ट को कैसे हम कह सकते हैं लैंड बॉर्डर्स के लिए या अन्य कोई भी रीज़न की वजह से पाकिस्तान ने पनाह दी है, और अब वो उसी चीज़ को खुद से सफ़र कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने बीच में सुना था स्कूल पर टेररिस्ट अटैक हुआ था पाकिस्तान में, इसके अलावा और भी कई सारे पाकिस्तान में भी ऐसे टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, और इसके अलावा अभी हमारे जो कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसके अंदर एक कर्नल सहित 5 लोगों की जो है जाने गई थी, हम कह सकते हैं वो शहीद हो गए थे, तो ये सारे जो चीज़ें हैं लिंक आउट करती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान लिंक आउट करता है टेररिज्म से, है ना। तो ये आर्टिकल जो है वो आपको पाकिस्तान पाकिस्तान का टेररिज्म को सपोर्ट और टेररिज्म का पाकिस्तान को जो है धोखा देना, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। द नेक्स्ट इज़ फ्लॉड स्टिमुलस इज़ डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो है उस कुछ सवालिया किस्म की बातें जो है इसके अंदर कही गई है, और केंद्र सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं कि अब शुरू से लेके अंत तक, मतलब अब तक
अंत, मतलब अब तक जब लॉकडाउन एंड होने जा रहा है कुछ दिनों में, तो अब इस समय तक आपने माइग्रेंट्स के लिए, या माइग्रेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला एरिया हुआ, और उस क्षेत्र में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई बहुत अच्छे कदम नहीं उठाए। इवन अभी भी जो स्टिमुलस पैकेज या जो रिलीफ पैकेज कोविड-19 के तहत जो पेश किया गया है, उसमें भी हमें माइग्रेंट्स को लेकर कुछ भी रिलीफेबल, या हम कह सकते हैं कि उनके लिए कुछ भी पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स नहीं देखने को मिले। कोविड-19 के चलते जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी माइग्रेंट्स और गरीब तबके के लोगों की तरफ नज़र घुमाना, जो सरकार नहीं कर पाई है। ओके सो ये आर्टिकल जो है वो कैरी करता है सरकार के डिसीजंस और उससे रिलेटेड गलत जो है धारणाओं से के बारे में, और सरकार के गलत डिसीजंस कैसे वो कार्य कर सकता था, कैसे उसने किया है और कैसे करना चाहिए आगे, उसके बारे में बताता है इस आर्टिकल में। अपो माइग्रेंट्स को जो है, माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, उसको देखते हुए सरकार के विरोध में कुछ बातें कही गई। विरोध में मतलब सरकार की को सहमति नहीं जताई गई सरकार के स्टिमुलस पैकेज को, या सरकार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, तो उनके उनके साथ में सहमति नहीं जताई गई है इस आर्टिकल में। ओके अभी रिसेंटली जो मॉडर्नाइज्ड, हम कह सकते हैं एक्सट्रीम लेवल पे मॉड जो बजट पेश किया गया है, उस बजट के प्रति असहमति जताते हुए माइग्रेंट्स और पुअर जो पीपल्स हैं उनकी तरफ ध्यान घुमाने की बात को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और कहीं ना कहीं इस बात से, आई डोंट नो वाई बट स्टिल आई एम ऑल्सो, हाँ ठीक है, सरकार के कदम हैं, सरकार के स्टेप्स हैं, तो डेफिनेटली वी कांट से इट इज़ रॉन्ग, बट स्टिल हो सकता है सरकार ने कुछ सोच समझ के किया हो, लेकिन जहाँ जिस क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत थी वहाँ पे भी करना हमारी ज़रूरत है, ना कि सिर्फ उस क्षेत्र में जहाँ हमें उचित लगता है। ओके सो माइग्रेंट्स, या हम कह सकते हैं वर्कर्स को बहुत ज़रूरत थी अब एक पैकेज की, एक रिलीफ फंड की, एक सपोर्ट की जो सरकार से ही मिल सकता है उन्हें, उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो जो फंड है या वो जो सपोर्ट है वो सरकार माइग्रेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा पाई है। ओके सो इसी को लेकर जो है यशवंत सिन्हा जी ने और अतुल के ठाकुर जी ने अपने व्यूज़ जो हैं अपने एक्सप्रेस किए हैं इस आर्टिकल के अंदर, कि कैसे हमारी ज़रूरत क्या है और हम कार्य किस पर कर रहे हैं, हमारी सरकार की ज़रूरतें क्या हैं और हमारी सरकार किस पर कार्य कर रही है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। द नेक्स्ट अ कॉलस रिस्पॉन्स इज़ ऑल्सो ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी के बैकबोन हैं, हमारी इकोनॉमी मैक्सिमम लेवल पे माइग्रेंट से ही चल रही है, और उस क्षेत्र में, उस एरिया को लॉकडाउन के अंदर जो है छोड़ देना, उसकी तरफ नज़र ना घुमाना अपने आप में हमारी इकोनॉमी को ही जो है पीछे छोड़ देने के बराबर है, या इकोनॉमी की तरफ ध्यान ना देने के। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स के बारे में वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल वहाँ नहीं कर रहे जहाँ, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इकोनॉमी को रिबूट करने की बात करें, बट हमारी इकोनॉमी किससे है, किससे चल रही है इकोनॉमी, उस क्षेत्र की तरफ हमारी नज़र नहीं जा रही है, हम नए क्षेत्रों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, जो कि मधुरिका शंकर ने बताया है इस अपने आर्टिकल में, कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन हैं, और कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स इस पर रिएक्ट कर रही है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या जो है, देखिए जो छोटे तबके के लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, डिलीवरी बॉयज़, या हम कह सकते हैं पेंटर्स और प्लम्बर्स, मैकेनिकल्स है ना, मैकेनिक्स, तो ये सारे लोग, ये सारे जो एरियाज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, ये सब हमारी बैकबोन है, हमारी इकोनॉमी इन्हीं से चलती है। हमारा देश का मैक्सिमम, हम कह सकते हैं 80%+ जो इकोनॉमी है वो इन्हीं के बेसिस पे चल रही है, और 80% लोग इन्हीं सारे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सिर्फ 20% लोग हैं जो कैपिटलिस्ट जो एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं पूंजीवादी क्षेत्र में, या पूंजीवादी लोग हैं, लेकिन माइग्रेंट्स, वर्कर्स, प्लम्बर्स, ये सारे अगर मैं लोगों को लेती हूँ तो अपने आप में ये लोग बैकबोन कहे जा सकते हैं हमारी इकोनॉमी के, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को चला रहे हैं ये लोग, इवन लिटरली चला रहे हैं। तो हमारी ज़रूरत है और सरकार की भी ज़रूरत है, सरकार से एक गुजारिश है कि वो इस क्षेत्र में कार्य करें, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले जो हमें शुरुआत में ले लेने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं लिए, और अब भी
जो है लॉकडाउन का फेज जहाँ खुल रहा है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे अब जा कर के ट्रेन्स का स्टार्ट करना, माइग्रेंट्स को अपने अपने घर पर पहुँचाना या माइग्रेंट्स का अपने घर पे जाना, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी अच्छा नहीं है और ना ही उन माइग्रेंट्स के लिए अच्छा है। बिकॉज नाउ व्हेन द वर्क इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड, तो 2 महीने की प्रॉब्लम्स देख कर जब वो गाँव की तरह रुक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं अगर, तो जहाँ हम कार्य कर रहे थे वो कार्य फिर से शुरू हो चुके हैं। तो अपने आप में वो खुद को गिल्टी फील करेंगे, सरकार के प्रति रोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी उनके अंदर कि सरकार ने हमारे रहते तो सारे कार्य बंद कर दिए, जिससे हमें फिजिकल, मेंटल, या हम कह सकते हैं कि भूख के कारण, मतलब खाने के कारण हंगर फेस करना पड़ा, और वेजेस फेस जो है हमें नहीं मिले तो उसकी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अदर देन दिस लिविंग प्रॉब्लम्स को, कहाँ रहेंगे, कैसे रह रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके अब जब हम इनसे ओवरकम करने के लिए अपनी गांव की तरफ रुख करते हैं, अपनी एरियाज की तरफ, तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अब जब मेन वर्क करने का काम आया है उस समय ट्रेन्स अरेंज की जाती हैं। तो अपने आप में बहुत सारे जो हैं नेगेटिविटी, या हम कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं माइग्रेंट्स के प्रति, बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि हम किसी भी क्षेत्र में जो है ये नहीं कह सकते कि सरकार की ही गलती होती है, बहुत सारे क्षेत्र में हमारी खुद की भी गलती होती है और कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आकर क्रिएट हो जाती है, खड़ी हो जाती है हमारे सामने जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है, हमें नहीं पता होता है, हमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, स्टिल वो आ जाती है ना। जैसे COVID-19, वी हैड नेवर थॉट कि हमें ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी महामारी से कभी गुजरना पड़ेगा, बट स्टिल वी आर सफरिंग विथ इट और हम इससे डील कर रहे हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम लैग कर जाएं, बिकॉज बहुत बड़ी आबादी में हम लोग रह रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए। लेकिन ये ज़रूरत है कि माइग्रेंट्स, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया, ह्यूज एरिया हमारे वर्कर्स का जो है, हमारे भारत के लोगों को कवर करता है, ह्यूज एरिया कवर करता है हमारी इकोनॉमी का, तो हम कह सकते हैं कि कर्तव्य है और हमारी ज़रूरत है कि हम माइग्रेंट्स की तरफ रुख करें और उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस या इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें, बजाय इसके कि हम कुछ मॉडर्नाइज्ड वे में जो सब चीज़ें हम अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, लाइक स्पेस क्राफ्ट और हम लोग जो है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इज़ अ गुड स्टेप, ओके, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमें ज़रूरत नहीं थी लेकिन वहाँ पे हमने पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी समझा, लेकिन जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स। सो आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने यहाँ पे, मैंने कोशिश की कि मैं कवर करूँ, इसके अलावा जो है कुछ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनते हैं, बिकॉज आज हमने मैक्सिमम लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल इश्यूज को भी डिस्कस किया, माइग्रेंट्स वर्कर्स को भी किया, इसके अलावा जो ऑलरेडी जो इश्यूज चल रहे हैं, फिनेंशियल इश्यूज या COVID-19 से बढ़ते हुए केसेस से संबंधित इश्यूज, तो वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप बिल्कुल अपना न्यूज़पेपर पूरा पढ़िए आज का, और फिर भी अगर कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं या आपको लगता है कोई टॉपिक कहीं पे रह गया है तो वो आप मुझे सेंड कीजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ओके। एंड आज का होमवर्क आप नहीं भूलेंगे, आप मुझे चाइना की डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे कि कैसी है, क्या है, और ये आर्टिकल कहाँ से कोरिलेट करता है चाइनीज़ डेमोक्रेसी को, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ऑसम डे, एन्जॉय योर डे, बाय बाय।